नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ चैनल। मैं निशा वशिष्ठ। आज हम आपकी मुलाकात हृदेश भारद्वाज जी से करवाना चाहते हैं, वेब ज्योति इंस्टीट्यूट सेक्टर 14, जहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आज तक ये काफ़ी बच्चों को स्टूडेंट उनका कैरियर बना रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ राज चौहान, एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर एंड फिटनेस एक्सपर्ट, जो कि आज आईटी में अपना बहुत बड़ा नाम है, वेब ज्योति सेक्टर 14 ऑल डीएलएफ में है गुड़गांव में, जो कि पूरा हब है वेब का। एंड मेरे साथ में खुद उनके ओनर हैं, चेयरपर्सन हैं हृदेश भारद्वाज जी, जो कि बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट हैं और वेब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे जो बैचेज उन्होंने निकाले हैं, उन बच्चों ने अच्छा अपना नाम किया है। और जो आज जो हमारी एंकर है आरबीएम न्यूज़ की, उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने जो स्मार्टली जो एक्सप्लेनेशन दी है, वो बड़ी ही एकदम से बेनिफिशियल है। और जो यूथ के लिए जो आपने एक आईना और एक दर्पण दिया है कि जो आप आईटी में और डेवलपमेंट्स में और वेबसाइट्स में जो बेनिफिट्स उठा सकते हैं, तो आप उनके इंस्टीट्यूट पे जाइए और साथ में वो खुद एक्सप्लेन करेंगे। साइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एवं ट्रेनिंग के क्षेत्र में गुरुग्राम, दिल्ली NCR में एक जाना पहचाना नाम है, वेब ज्योति। जी हाँ, वेब ज्योति, जो कि ओल्ड DLF सेक्टर 14 गुरुग्राम में है और इसके फाउंडर व डायरेक्टर हैं हृदेश भारद्वाज। हृदेश भारद्वाज जो कि एक जाने माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनर व राइटर हैं, जिनके मार्गदर्शन में अब तक आईटी के हजारों युवाओं को एक नई पहचान मिली है। इनके द्वारा लिखी गई किताबें सरकारी संस्थानों व यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ चैनल। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके अब तक का जो इनका सफ़र रहा है, इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो आज ही अपने बारे में बताएंगे। इनका इंट्रोडक्शन हम लेना चाहेंगे और आज तक का अपना सफ़र ये हमें बताएंगे। काफ़ी अच्छा रहा है और एक लंबा सफ़र तय किया है यहाँ तक। 13 साल से ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है और एक मोटिवेशनल मिलता रहता है। जैसे जैसे लोगों का करियर डेवलप होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से हमें और मोटिवेशनल एनर्जी मिलती है। आज के टाइम में कौन सा कोर्स सबसे बेहतर रहता है? आज के टाइम में भाई स्टूडेंट है, कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस लाइन में जाएं, किस लाइन में जाएं, तो प्लीज़ ये स्टूडेंट को ये गाइड कीजिए कि आप उनके भविष्य के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहे। ये बात सही कही निशा जी, बिकॉज बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आज की डेट में। अगर आप आईटी को ही लें तो आईटी में भी 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसके लर्निंग स्किल्स क्या हैं स्टूडेंट के। आप एकदम डिसाइड नहीं कर सकते कि चलो ठीक है, अभी मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग है तो उसको कर लेते हैं, या हम लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं नहीं हमें रोबोटिक्स करना है या एनिमेशन करना है, तो स्कोप हर चीज़ के अंदर है। अब चेक करना रहेगा स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके लर्निंग स्किल्स क्या है। तो हमारा इंस्टीट्यूशन इमीडिएटली स्टूडेंट को डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये यहाँ पर आप इस स्टूडेंट को ये एडमिशन दीजिए। उसके लिए पहले एक ट्रायल प्रोसेस होता है। उस ट्रायल प्रोसेस में क्या रहेगा, पहले उसके लर्निंग स्किल्स चेक करते हैं कि वो स्टूडेंट किस प्रोफाइल के लिए फिट होता है। हो सकता है उसके क्रिएटिव पार्ट बहुत अच्छे हैं, मे बी हो सकता है उसके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एनालिटिकल पार्ट बहुत बेटर हो सकता है। तो वो पहले हमारे ट्रेनर्स जो हैं उसको पहले ट्रेन करेंगे, 2 से 3 क्लासेस में उनका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ऑब्जर्वेशन बेस पे उसको एडमिशन देना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस रहेगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग। सर ये बताइए, डिजिटल दुनिया क्या है? हर जगह हम सुनते हैं डिजिटल, आईटी के अंदर बहुत सारे नाम होते हैं डिजिटल, तो प्लीज़ इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये डिजिटल दुनिया क्या है। ये एक्चुअली आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है। पहले हम लोग उन चीज़ों को ट्रेडिशनल कर रहे थे, जो ऑफलाइन जिसको बोलते हैं हम लोग आज की डेट में, वो चीज़ अब ट्रेडिशनली इंटरनेट पर आ गई है। यानी अब अगर आप पहले शॉप से खरीदते थे, अब आप वही चीज़ इंटरनेट से खरीदते हैं। बस इसी चीज़ को हम डिजिटल कह सकते हैं। मतलब आप पहले आप प्रोफाइल भेजते थे, रिज्यूमे भेजते थे, आज आप इंटरनेट के ज़रिए लिंक भेजते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, आप वहाँ पर चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो एक तरीके से ये कहेंगे पूरा रिवोल्यूशन जो चेंज हुआ है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है।
या कोविड से पहले जो सिचुएशन थी, जो आज में आप डिफरेंस देख रहे हैं, वही कुछ इस तरीके से आप डिजिटल बोल सकते हैं इसको। क्या वेब और डिजिटल जो वर्ड्स है, क्या ये अलग अलग है? और अगर अलग अलग है तो दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तो प्लीज ये बताइए और एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को। बेसिकली हैं तो लगभग दोनों सिमिलर हैं। डिजिटल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो इंटरनेट के जरिए या एडवर्टाइज करते हो। अब उसके लिए आप किसकी हेल्प लेते हो? वेब की हेल्प लेते हो। तो वेबसाइट आपके पास एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज को मार्केट कर रहे हैं। तो यानी पहले आपके पास वेब डिज़ाइन होगा, एक रेडी वेबसाइट होगा, उस पर फिर आप उसको प्रमोट करेंगे, जैसे कि आप उसको गूगल पर प्रमोट करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, ट्विटर पर करते हैं। आपने देखा होगा लोग वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर आप लिंक शेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से बड़ी क्लोज हैं, रिलेटेड हैं। वेबसाइट का एक पहला पार्ट रहेगा जो हम पहले डेवलप करेंगे, उसको प्रमोट करना उसके जरिए। तो एक तरीके से एक जरिया है वेबसाइट डेवलपमेंट, जो डिजिटल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। ये सोशल मीडिया जो है, ये क्या प्लेटफॉर्म है, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए और दर्शकों को बताइए सर। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप देखते होंगे जैसे फेसबुक, ट्विटर आप भी यूज़ करते होंगे, बट पहले लोग क्या करते थे, उसको सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, जैसे आपके फोटोग्राफ्स हैं आपको शेयर करने हैं, आपको स्टेटस डालना है। लेकिन अब हम सोशल मीडिया पर डिजिटली अपने जो ब्रांड है, जो अपना प्रोडक्ट है, उसको भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, मतलब लोगों तक आप अपने बिजनेस तक पहुंच सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। अब इसमें आपके बहुत सारे पॉपुलर हैं, जैसे फेसबुक एक आप देखते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी ब्रांड तो आपके फेसबुक के ही हो गए, ट्विटर हो गया, उसके बाद आपके लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो खाली अभी पहले जो एक प्लेटफॉर्म था ना, जहाँ पर हम कहते थे हमने सिर्फ इसको चैट करने के लिए या इसको उस फोटोग्राफ शेयर करने के लिए रखा जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसका जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब आप उसमें आप अपने जितने भी सर्विसेज हैं या जो भी आपके पास रनिंग बिजनेस है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बच्चों को हम जिस चीज़ से दूर रखते थे, आज कोविड टाइम में वो चीज़ों का बहुत बढ़ावा मिल रहा है। क्या बच्चों को इस चीज़ से आगे जाके नुकसान होने वाला है? नुकसान कहना ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं खुद 4 से 6 घंटे अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। तो ये देखिए डिफरेंसेस हैं, अभी आज की सिचुएशन ये है कि हम ऑफलाइन भी जाएं तो उसको किस तरीके से फॉलो में लेना पड़ेगा। यानी छोटे बच्चों को तो आप वो प्रोटोकॉल सारे नहीं सिखा सकते या वो उस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते जैसा हम चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बेटर है कि कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबसे पहले हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक उनका ऑनलाइन क्लास लेना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन मैंने कोशिश की लॉकडाउन से पहले भी, इवन जो हमारी बुक्स थी जो रिलीज़ होती थी 2016 में, वेब डिज़ाइनिंग की मेरी एक बुक आई जो NIELIT में सिलेबस में है, उस बुक के पहले जो एक पर्टिकुलर एरिया तक डिलीवर होते थे, अब कोशिश की जा रही है पब्लिशर के ज़रिए कि हम उस बुक को वर्ल्ड वाइड लेके चलें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचे, एक ऑफलाइन कहीं ना कहीं उनको एक पढ़ने का ज़रिया मिले। ये जैसे मोबाइल में और लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो ये किस तरीके से की जा सकती है? और जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी 3 साल तक के बच्चे हैं, आजकल उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो वो उस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये बताइए सर। बिल्कुल सही बात है, दोनों के लिए चैलेंजिंग है, पेरेंट के लिए भी चैलेंजिंग है ये इंश्योर करना कि हमारा जो बच्चा है जिसको हमने मोबाइल दिया है वो पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है। तो देखिए ये सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की जो क्लास का जो पीरियड है वो बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, 1 घंटे 40 मिनट। अब ये पेरेंट इंश्योर कर लें कि वो 40 मिनट है 1 घंटे के लिए मोबाइल दे रहे हैं बच्चे को, या 8 घंटे बच्चे के पास ही है, तो वो भी एक इंश्योर करना पड़ेगा। सेकेंडली पेरेंट, आजकल बहुत सारे पेरेंट कंट्रोल आते हैं, आप पेरेंट कंट्रोल यूज़ कीजिए कि बच्चे को कोई भी अलग ऐप हैं या कोई भी वेबसाइट हैं जिस पर वो अननेसेसरीली न जा सकें या सर्फ न कर पाएँ, तो वो उस पर्टिकुलर दायरे में ही रहें जो एक ट्रेनिंग के लिए उनको टूल दिया है। तो उसका कहीं ना कहीं इस तरीके से पेरेंट उसका मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं। अभी मैं यही देख रही थी कि
आप जो लोग जॉब में हैं उनके भी कोर्सेज कराते हैं, जो स्कूल में हैं उनके भी कोर्सेज कराते हैं, और जो कॉलेजेस में हैं उनके भी कोर्सेज कराते हैं। क्या इन सब के अलग अलग कोर्सेज हैं? तो प्लीज़ ये बताएंगे कि इनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं तो इनके कौन कौन से, आप उनका फ्यूचर कैसे बताते हैं कि इनके लिए कौन कौन से कोर्स बेटर होते हैं? जी बिल्कुल सही बात है निशा, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है उसमें अलग अलग प्रोफाइल के स्टूडेंट होते हैं। एक है तबका जो एक कॉर्पोरेट से होता है वर्किंग प्रोफेशनल का, ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 70 से ज़्यादा कंपनीज में ट्रेनिंग दी है, जहाँ पर जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं उनको मोस्टली डेटा के साथ में काम करना होता है, डेटा एनालिटिक्स इसको बोलते हैं, जिसमें आप क्लाउड के भी साथ काम करते हैं, SQL के साथ करते हैं, रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो उनकी एक ट्रेनिंग हो गई जो प्रोफेशनल है। मैं पढ़ना लर्निंग कोई एज को नहीं लेके चलता है, मतलब आप किसी भी एज में पढ़ ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जो कॉलेज के फ्रेशर्स हैं जिनको कॉलेज पास आउट आप बोलते हैं, उनका करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोर्स है। उनको किस प्रोफाइल के अंदर, अगर एग्जांपल लीजिए अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो वो एक आईटी के स्टूडेंट हैं तो उनको आईटी के रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो डेवलपमेंट में आप कर रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग लेके चल रहे हैं। स्कूल के लेवल पर क्या कोर्सेज हो सकते हैं, वो अपना ग्राफिक की कुछ क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो एनिमेशन के लिए भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो उनको एनिमेशन के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएँ, उसमें अपना फ्यूचर या करियर देख सकते हैं। तो हर प्रोफाइल के लेवल का डिफरेंट कोर्सेज होते हैं बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो अगर वो रिक्वायरमेंट, अगर हम कहेंगे कि अगर हम कॉलेज स्कूल के बच्चे को अगर हम कहें कि आप रिपोर्टिंग का काम सीखिए तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वहाँ पर उनको वो चीज़ अभी यूज़ में नहीं आने वाली है। अगर हम प्रोफेशनल को कहेंगे कि आप स्कूल लेवल का कोर्स कीजिए तो वो भी उसके दायरे में नहीं आता है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट कोर्स करेक्ट अप्रोच के साथ उनको देना वो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बताइए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फ्रॉड मेल आते हैं, फ्रॉड मतलब कि हर जगह ठगी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, हैक कर देते हैं व्हाट्सएप फेसबुक को, हैक कर देते हैं, तो प्लीज़ इससे बताइए कि इससे किस तरीके से बचा जाए। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे जैसे डिजिटल का स्कोप बढ़ रहा है वैसे वैसे डिजिटल का मिसयूज़ भी लोग कर रहे होते हैं। तो फ्रॉड वाला जो आप कंसेप्ट बता रहे हो ये बिल्कुल वही उसी का नतीजा है कि लोग उसका मिसयूज़ कैसे कर रहे हैं। अब वो कहेंगे आपको कि आप इस लिंक पे जाइए, पेमेंट कीजिए, इस तरीके के आपको कॉल आते हैं आप कीजिए। इसके लिए क्या है कि एक लाइन होती है ना, ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा, मतलब हमें ही खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉल करते टाइम पर आपको नहीं बताएगा कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। अब उसके लिए क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं या जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड वेबसाइट हैं, उन्होंने पहले से ही ये इंतज़ाम किए हुए हैं, वहाँ पर आप उसको यूज़ कीजिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है कि जब भी आपका कोई भी अकाउंट एक्सेस कर रहा है तो आपको OTP आता है आपके मोबाइल से कनेक्टेड है तो, या आपको एक ईमेल जाता है, तो वो बिना OTP शेयर किए वो पॉसिबल नहीं है। अब ये देखना है कि वो कॉल आता है कहते OTP आया है बिकॉज आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है या वो है, तो ये बहुत आपको पहचानना पड़ेगा। और अगर ईमेल के, जैसे आपने कहा कि ईमेल के ज़रिए भी फ्रॉड आते हैं, सही बात है, वो मेरे पास भी आते हैं मेल कि आपको इतने की लॉटरी लगी है, आपको ऐसा कुछ हुआ है, बहुत कॉमन है। इसका क्या किया जा सकता है, देखिए मेल लिखा होगा किसी भी एक बड़ी कंपनी के नाम के साथ कि ये कंपनी में आपको ओपनिंग मिली हुई है, जॉब मिली हुई है, ऑफ़र है, या आपको इतने बैंक से इतने रुपए का लोन मिल रहा है। बहुत सिंपल है, आप सेंडर नेम पे मत जाइए, सेंडर नेम में वो लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आप उसकी ईमेल आईडी पे जाइए और उस जिससे ईमेल आपको रिसीव हुआ है वो ईमेल के डोमेन को देखिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल निशा है, निशा ने क्लेम किया है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से हूँ, मुझे इतने रुपए चाहिए, या मैं गूगल से हूँ, लेकिन ईमेल आईडी में nisha@google.com है क्या, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आखिरी में google.com या माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, इसका मतलब ये पक्का, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने ऑफिशियल ईमेल से ही आपको मैसेज भेजती है। अगर वो ऑफिशियल मेल से नहीं है, मैं RVM के साथ अगर न्यूज़ में अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो RVM के डोमेन से मेरे पास ईमेल आएगा। ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप उसको वेरीफाई करें सेंडर को कि कैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है। सेकंडली SMS के साथ भी ये होते हैं, आजकल जो ट्राई नो में जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत TLDO ट्राई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये मेंटेन करते हैं कि SMS किस तरीके के आप भेज सकते हो, किस तरीके के नहीं भेज सकते, तो वहाँ पर एक टेम्पलेट वेरीफिकेशन होता है, तो उनको भी आप पहचान सकते हैं।
कभी भी OTP आपको शेयर नहीं करना होता है किसी के साथ, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ टाइम पहले ही मेरे पे भी कोविड के टाइम पर कुछ कॉल आए, सर आपको इतने रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, आपको मैसेज आया, देखिए आपको रिसीव हुआ। एक्चुअली आप ध्यान से देखें तो वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, वो एक मैसेज में खुद से टाइप करके लिख रहे हैं ₹20,000 रिसीव्ड। वो मैसेज है, वो बैंक से नहीं है, उनकी तरफ से लिखा हुआ मैसेज है। तो वो बहुत ज़रूरी है जानना, उसके लिए बेटर है उनके कॉल पे आप, टोल फ्री नंबर है जो ऑफिशियल, उनसे आप बात कीजिए। क्योंकि ना OTP आपके जितने भी बैंक हैं या पेटीएम हैं, ये कभी आपसे OTP नहीं मांगते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है, ये कभी आपसे OTP नहीं शेयर करेंगे आपके लिए। ये तो कोई थर्ड पार्टी होगी या फिर कोई भी आदमी होगा जो फ्रॉड कर रहा है, वो ये सब काम करेगा। तो इसमें हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने आपको ये स्टेप बताएं, इन पे भी आप काफ़ी ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ये चीज़ें। Hi friends, myself Raj Chauhan, actor, model, producer and fitness freak. I am giving a great news for all models and all actors. आज के समय में डेटा की क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे मैनेज करें, और क्या आप इसके भी कोर्सेज कराते हैं? डेटा एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। जैसे अगर हम बात करें, जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उसके पास में 50 या 100 कस्टमर का डेटा था। जैसे जैसे बढ़ेगी, कस्टमर का डेटा बढ़ेगा, उसके लिए फिर उसको उसी हिसाब से टूल भी परचेज करने होंगे और उस पर रिपोर्टिंग करनी होगी। लेट से मैंने जब 2009 में स्टार्ट किया इंस्टीट्यूशन, तब 50 स्टूडेंट थे, आज मेरे पास में 5,000 हैं, तो मुझे 5,000 का डेटा मेंटेन करना है। डेटा मेंटेन करने के लिए मुझे टूल्स भी यूज़ करने लेंगे, जैसे आप सुनते हैं टैली आपका एक डेटा टूल होता है, एडवांस एक्सेल आपका एक्सेल जो टूल है वो आप यूज़ करते हैं, क्लाउड भी आप यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, पिछले 4 से 5 साल में ही लगभग मैं 50 से ज़्यादा ट्रेनिंग कॉर्पोरेट में दे चुका हूँ, और वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेसिकली सारा डेटा पर बेस्ड है, एक्सेल रिपोर्टिंग के बेस्ड है, मैक्रोज उसमें ऑटोमेशन चाह रहे हैं, इवन डेटा में भी ऑटोमेशन उनको चाहिए होता है कि अगर वो चीज़ रिपीटिव हैं तो उनको एक सिंगल क्लिक में वो कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए भी आप रिपोर्टिंग का काम कर रहे होते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का जो पार्ट है, जिसको डेटा साइंस आप कह सकते हो, वो डेटा साइंस है जो जैसे जैसे कंपनी में डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, और उसकी सिक्योरिटी भी उसी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी फिर, क्योंकि डेटा को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है उसके साथ ही। तो इसके कोर्सेज ऑफ कोर्स हमारे पास होते हैं, एडवांस एक्सेल का SQL के कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल आते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक और रखा, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल के साथ एक चैलेंज ये होता है कि वो लोग जब जॉब में 9 to 5 रहेंगे तो उसमें एक टाइम रहता है कि वो उस टाइम पे क्लासेस नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें भी स्किल्स अपने अपग्रेड करने, तो उनके लिए हमने विशेषकर एक अरेंजमेंट किया है कि वो लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग बैच होते हैं, उनके पास बाद भी अगर ऑप्शन नहीं है तो उनके पास वीकेंड के चॉइसेस होते हैं कि वो वीकेंड पे आके अपना क्लासेस कर सकते हैं। बिकॉज मैंने बताया लर्निंग की कोई एज नहीं है, तो आपको उस एज में भी अगर आप IT में हैं तो पढ़ना पड़ेगा, वो ऑलवेज चलता रहता है। तो प्रोफेशनली लोग आते हैं, वीकेंड पे क्लासेस करते हैं, लेट इवनिंग मेरे बैचेस होते हैं काफ़ी, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बैचेस अवेलेबल हैं, यानी मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 8 o'clock तक हमारे क्लासेस रनिंग में होते हैं। तो वो क्लासेस आप डेटा साइंस रिलेटेड हैं तो डेटा साइंस में आप जाइए, कोई इशू नहीं है। सेक्टर 14 को, सेक्टर 14 जो है वो इंस्टीट्यूट का हब माना जाता है, तो वहाँ पे वेब ज्योति इंस्टीट्यूट जो है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो सबसे अलग कैसे हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल निशा, सेक्टर 14 में लगभग 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं और अलग अलग कैटेगरी में इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारी कैटेगरी में भी अगर हम देखेंगे वेब का, डिजिटल में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, सबका अपना डिफरेंट लर्निंग स्किल्स हैं, सबके डिफरेंट मेथड हैं। हमारा जो मेथड है वो टिपिकली पॉइंट टू पॉइंट ट्रेनिंग है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि आप वेबसाइट के लिए कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, मतलब एक होता ना थियोरेटिकली टर्म्स हो गए, आपने पूरा करिकुलम कर लिया, लेकिन वेदर एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आप कैपेबल हैं क्या वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट का एक कोर्स का नाम आपने सुना होगा स्किल इंडिया, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि आपको थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली उस तरीके से लोडेड करना है कि आप उसके बाद सीधा अपना रोज़गार भी कर सकें, मतलब प्रैक्टिकली अप्रोच रहेगी। वही कंसेप्ट हमारा है कि वेब में आप अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इतने सालों से वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, 400 से ज़्यादा हमारे वेबसाइट बने हुए हैं,
तो उनको सीधा एक्सपोजर ट्रेनिंग का रहेगा कि वो एक्चुअली हमारी कमिटमेंट भी पार्टिसिपेंट्स के साथ ही होगी कि आपको कोर्स कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकली प्रिपेयर होना है, आपको उस पर कम्प्लीटली वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना होगा बिगिनिंग से, एक स्क्रैच से लेके वेबसाइट कैसे अपलोड करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उसको लाइव करते हैं। तो उसका एट द एंड ऑफ डे ये एक कंक्लूजन रहेगा कि अगर आपको खुद का भी यू नो कल को बिजनेस सेटअप करना है, आपको खुद का वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, तो आप इंडिपेंडेंट होकर वेबसाइट डेवलप कर पाएँ, ये मोटिव पर हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए पहले जैसा मैंने बताया था क्राइटेरियाज़ होते हैं, हर पार्टिसिपेंट्स को एडमिशन देना वो पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले उनको ट्रायल फेज कराना है, उसमें कैपेबिलिटीज़ उनकी देखनी है, लर्निंग स्किल्स देखने हैं कि क्या वो उस लेवल का को जो कोर्स हम कराने वाले हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो उस लेवल पर प्रिपेयर हैं, कैपेबल हैं, तो उनको डेफिनेटली वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में उतारा जाएगा, जिसके बाद उनके पास चॉइस होती है, चाहे तो वो एक एम्प्लॉयमेंट करें, जॉब करें, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो ये दोनों चॉइसेस हैं उसमें। तो इस तरीके से हम डिफरेंस अप्रोच कर सकते हैं, हम मल्टीपल कोर्सेज नहीं कराते, हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने 25 कोर्स हैं या पर आपके पास में, हम लोग जिसमें प्रोमिनेंटली जाने जाते हैं वो वेबसाइट का फील्ड है, वेब ज्योति वेबसाइट डेवलपमेंट का ही करता रहा है 2009 से, तब से लेके अभी तक हम लोग वेबसाइट का ही काम करते हैं और उसी का ही ट्रेनिंग देते हैं। स्पाइन को केंद्र में रखकर मांसपेशियों के दर्द में आराम देने वाला मेडिकल डिवाइस बनाया गया है N5। मैं बहुत इस चीज़ में दुविधा में रहती हूँ कि मुझे कुछ भी चीज़ परचेज करनी है और मैंने वो साइट ओपन करके उस चीज़ को देख लिया, तो जब भी मैं कोई भी साइट ओपन करूँगी तो वही चीज़ मेरे को दिखती रहेगी, जब तक मैं उस चीज़ को परचेज ना कर लूँ मुझे वो चीज़ दिखती रहती है। तो ये क्या चीज़ है और इसका समझ नहीं आता कि है क्या, प्लीज़ इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जी एक्चुअली पहले जब हम लोग कुछ भी परचेज करते थे तो उसके लिए मैंडेटरी था, अब भी है, लॉगिन का ऑथेंटिकेशन होता है, यानी पहले आपको वेरीफाई करना होता है कि आप कौन हैं, क्या परचेज करने वाले हैं। लेकिन अब जो सर्च इंजन हैं या जितने भी शॉपिंग साइट हैं उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं, अब आपका यूज़र प्रेफरेंस चलता है, मतलब आपने क्या किया कि आपके लॉगिन करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपने कुछ भी चीज़ सर्च की है उसके लिए आपका आईपी एड्रेस ही काफ़ी है, उस सिस्टम से अगर आपने उस वेबसाइट पर कोई भी चीज़ पर इंटरेस्ट शो किया है, क्लिक किया है, तो आपका जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस के साथ आप उस प्रोडक्ट की डिटेल उनके डेटाबेस में हो गई। अब वो प्रोसीजर तब तक इनकम्प्लीट है उनके लिए जब तक आप उसको परचेज नहीं कर लेते हैं। अब बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट बाकी और साइट पे भी उनके हैं उसी प्रोडक्ट के, तो वो यूजर प्रेफरेंस के बेस पे जिन जिन साइट्स पे आप जाएंगे वहाँ पर आपको नज़र आएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिकली आपका आईपी एड्रेस है जो उनके पास पहुँच गया है, अब उस आईपी एड्रेस के ट्रेंड में चीज़ें चलेंगी। अब मैं जैसे देखता हूँ कुछ स्टूडेंट होते हैं हमारे वाईफाई के ज़रिए बुक्स परचेज करते हैं हमारी, या फिर कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं पर्सनल, तो वो तब तक उनको नज़र आ रहा है जब तक उसको वो परचेज नहीं कर लेंगे। ये बेसिकली आपका कई चीज़ें फैक्टर होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस है उसको भी ट्रैक किया है, आपका जो लोकेशन है, कभी कभी आप देखते हैं ना मैप में आप जहाँ जा रहे होते हैं गूगल बताता है कि आप यहाँ पर विजिट करके गए हैं, अभी हो सकता है मैं अभी स्टूडियो से निकलूँगा और वो कहेंगे आप आरबीएम न्यूज़ पे विजिट किए हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने गूगल में आप साइनअप हैं, आपका आईपी आपका जो लोकेशन है जिसको आप जियो कोड बोलते हैं वो भी ट्रैक हो रखा है, तो उसके विहाप पर सर्च इंजन काम करते हैं। तो ये गूगल के एल्गोरिदम हैं जो हर साल लॉन्च होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं चीज़ें कि अलग अलग किस किस तरीके से उन्होंने निकाले होते हैं गूगल के एल्गोरिदम, जैसे उनके नाम होते हैं पांडा है, पेंगुइन है, उसके बाद पीजन है, ये सब एल्गोरिदम आए हैं, उन एल्गोरिदम में ये चीज़ें प्रेफरेंसेज उसी अकॉर्डिंग चेंज की गई हैं। ये आज की जो जनरेशन है और जो आईटी कोर्सेज करना चाहती है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो जनरेशन है आज की, देखो पहले एक टाइम था जब बोला जाता था कि जो पेरेंट जो कर रहे हैं वही बच्चे को करना है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आप उनके इंटरेस्ट पे जा सकते हो, जो बच्चा करना चाहता है जिसमें भी उसको करियर बनाना है वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी वही प्रायोरिटी दी गई है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ये कोर्स कैपेबल है तो आप ये कीजिए,
हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा ही होना चाहिए और इवन पेरेंट को भी उसके अकॉर्डिंग भी फ्रेंडली होना चाहिए कि जो बच्चा जो प्रेफरेंस देना चाह रहा है, जिसमें भी उसे करियर बनाना है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कराएं। कोर्सेज में भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन में करियर गाइडेंस है। हर साल हम लोग एक वेब सेमिनार लॉन्च करते हैं, हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है स्कूल लेवल पे, जिसमें अप टू 12th क्लास के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हमारा क्या स्किल रहता है, हमें चेक करना होता है हर बच्चे का कि कौन सा बच्चा किस करियर में जा सकता है, किस प्रोफाइल में जा सकता है। उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप RBM न्यूज़ के साथ भी यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, वो भी आपको अप्लाई करा देंगे, अप्लाई कर सकते हैं आप फ्री। इंस्टीट्यूशन विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेरेंट अपने बच्चों के स्किल्स चेक कर सकते हैं कि क्या उनका फ्यूचर IT में है या नहीं है। तो हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ उनके एक प्री टेस्ट होगा, उसके विहाप पे हम लोग डिसाइड करके बता सकते हैं कि बच्चा आपका IT में बेटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी कोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, वो सेंस नहीं बनता है। तो वो बहुत ज़रूरी हो गई पेरेंट के लिए। हाय, आई एम हृदेश भारद्वाज एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन RBM न्यूज़। RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी वीडियो बना है आप RBM न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, RBM न्यूज़ भी जो अच्छे टैलेंट हैं और जो अच्छे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट्स हैं या पर्टिकुलर पर्संस हैं, उनके मुद्दों को उठाती रहती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और RBM न्यूज़ को देखने के लिए आप उसको सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, आपको अपडेशंस नहीं मिलेगी। तो वेब ज्योति की जो डिटेल्स हैं भारद्वाज ने जो बताई है, उनका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ, तो देखते रहें RBM न्यूज़ चैनल।